हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी 11th क्लास बुक नंबर 2nd लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट सेकंड बुक का फर्स्ट लेक्चर है बच्चों हमारा, ये जो आज हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों की हमारी प्लानिंग क्या होने वाली है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, कैसे हम सेकंड बुक को डील करेंगे, फर्स्ट बुक को हम कैसे पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, होगा क्या कि डेली बेसिस पर, ऑन डेली बेसिस पर आपके दो लेक्चर आने वाले हैं बच्चों। डेली बेसिस पर आपके दो लेक्चर आने वाले हैं 11th क्लास में। हम लोग बात कर रहे हैं 11th प्लस जेईई और नीट की, 11th प्लस जेईई और नीट, ठीक है। डेली बेसिस पर आपके दो लेक्चर आएंगे, एक लेक्चर आएगा आपका बच्चों फर्स्ट बुक जो कॉन्टिन्यूअसली अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा लेक्चर आएगा आप लोगों का स्टूडेंट वो आएगा सेकंड बुक जो हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि तो दूसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसे स्टार्ट करने के पीछे कारण क्या है। बच्चों दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने के पीछे कारण यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सिलेबस को बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ाऊँ, आप लोगों को बहुत डिटेल में जाकर सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। लेकिन उस तरीके से पढ़ाने में हमारे रास्ते में ना एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है हमारे सामने, और वो समस्या है टाइम की। बच्चों हमारे पास में सफिशेंट इतना टाइम हमारे पास में नहीं है कि एक लेक्चर में मैं आपको डिटेल में पढ़ाकर आप लोगों का सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर दूं। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, ये मेरी दिली इच्छा है, और आप लोगों को भी डिटेल में पढ़ने में ही फ़ायदा होगा। ऊपर ऊपर से तो आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ भी अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा फिर आपको कोचिंग पढ़ने का। बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए, सफिशेंट एग्जाम्पल्स कराए जाए, इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाए कि आफ्टर 12th आपको ड्रॉप करने की या अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से बच्चों क्लियर हों, ठीक है। इसीलिए हम आपका सेकंड बुक का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक का जो लेक्चर होगा रोज आएगा बच्चों आपका, 40 मिनट का लेक्चर होगा, ये 40 मिनट to 45 मिनट के बीच का लेक्चर होगा। ये आपका मंडे टू सैटरडे लेक्चर आएगा, संडे आप लोगों का टेस्ट रहेगा स्टूडेंट, ओके, संडे रहने वाला है आप लोगों का टेस्ट। ये फर्स्ट बुक का लेक्चर है, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली वही हम लोग पढ़ते जाएंगे। अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने पीछे के लेक्चर्स को देखकर यहां से रिवीजन भी कर सकते हैं और आगे का भी पढ़ सकते हैं, यानी सब कुछ यहां पर अवेलेबल मिलेगा बच्चों। सेकेंड बुक के लेक्चर की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 20 मिनट्स to 25 मिनट रहेगी स्टूडेंट, 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक सेकंड बुक के लेक्चर की ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है बच्चों। ये लेक्चर आपका आने वाला है मंडे टू फ्राइडे, ओके स्टूडेंट, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का ये लेक्चर आएगा, और इसका जो टेस्ट होगा वो भी आप लोगों का संडे में होगा। टेस्ट पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा और यहाँ पर भी आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, ये हमारी प्लानिंग रहने वाली है, यानी एक दिन में आपके पास में दो लेक्चर आएंगे। कुल मिलाकर 1 घंटे की क्लास हमारी वैसे भी होती है, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए वही 1 घंटा आप लोगों का बैठेगा। 1 आवर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। दो लेक्चर आप लोगों के डेली बेसिस पर आएंगे, आप अपने लेक्चर दोनों लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए, इसकी नोटबुक अपनी अलग बनाइए, इसकी नोटबुक अपनी अलग बनाइए, जितने भी एग्जाम्पल आपको कराए जाते हैं उन एग्जाम्पल को ध्यान से करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो हमसे क्लियर करिए बच्चों। बस आप लोगों का काम इतना है कि आप लोगों को अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से बनाना है स्टूडेंट कि इन दोनों लेक्चर को आप एक दिन के अंदर देख सको, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को अपना टाइम टेबल सेट करना है। दूसरी बात, इन दोनों लेक्चर को आपस में कोलैप्स नहीं करना है, बर्डन नहीं बनाना है अपने ऊपर कि भाई दो लेक्चर का बर्डन आप लोगों के ऊपर बन जाए। अभी आप लोगों के स्कूल भी ऑफ हैं तो बहुत आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में मौजूद है बच्चों, दोनों लेक्चर को आराम से देखकर आराम से इनके नोट्स वगैरह आप सब कुछ बना सकते हैं।
मैं आप लोगों को इतने एग्जाम्पल्स बच्चों यहाँ पर करा देता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से इतने एग्जाम्पल आप लोगों के हो जाएंगे कि अगर आप उन सारे एग्जाम्पल को भी कर लें स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ, आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे हमारी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ स्कूल लेवल का पढ़े, उन्हें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाकर आपको हाईएस्ट पॉइंट तक सारी बातें बताता हूँ, तो उन लोगों को लगता है कि हमारे स्कूल एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशेंट है, तो स्कूल एग्ज़ाम के लिए उतना ही पढ़े जितना उन्हें स्कूल एग्ज़ाम के लिए चाहिए। और जो बच्चे कम्प्लीट पढ़ना चाहते हैं वो सभी लेक्चर को ध्यान से देखकर अच्छे तरीके से पढ़ें। ओके, तो ये तो हो गई है हमारी प्लानिंग जो हम लोग अपनी स्टार्ट करके चलेंगे। अब ये जो सेकंड बुक का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं ना बच्चों, ये जो सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम ये देखते हैं कि इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, यानी सेकंड बुक का हमारा सिलेबस क्या है। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड बुक का जो सिलेबस है हमारा वो आपको समझना है बिल्कुल ध्यान से। सेकेंड बुक, इस सेकेंड बुक के अंदर जो हमारे पास में सबसे पहली यूनिट आती है, यूनिट नंबर वन को हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स। यूनिट नंबर वन का नाम है स्टूडेंट फ्लूइड मैकेनिक्स, ये हमारी यूनिट नंबर वन है। सेकंड बुक की पहली यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पर हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों। यह है फ्लूइड मैकेनिक्स। नंबर दो पर जो हमारे पास में यूनिट आती है स्टूडेंट, नंबर दो पर जो यूनिट हमारे पास में आती है वो है थर्मोडायनामिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास में दो चैप्टर होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास में दो चैप्टर होंगे, समझ आ रही है बच्चों बात। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारे पास में तीन चैप्टर होंगे स्टूडेंट, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नंबर थ्री। ठीक है, यहाँ हमारे पास में दो चैप्टर होंगे, यहाँ हमारे पास में तीन चैप्टर होंगे, और जो हमारी लास्ट यूनिट है स्टूडेंट, लास्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, इस यूनिट का नाम है बच्चों एसएचएम और वेव। ये हमारी थर्ड यूनिट का नाम है स्टूडेंट, एसएचएम और वेव। इस एसएचएम और वेव के अंदर हमारे पास में दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर सिक्स और चैप्टर नंबर सेवन। ये हमारे सेकंड बुक का सिलेबस है बच्चों, ये हमारी सेकंड बुक का सिलेबस है बच्चों। बस तीन ही यूनिट है हमारी सेकंड बुक में और सात चैप्टर हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये हमारी सेकंड बुक का सिलेबस है। अब हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों यूनिट वन। हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड बुक यूनिट नंबर वन, और सेकंड बुक में जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर वन हमारे पास में आएगा बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पहला चैप्टर हमारे पास में आएगा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट जो हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर वन है बच्चों जो हम लोग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये फर्स्ट चैप्टर है जो हमें इसके अंदर स्टार्ट करना है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर फ्लो जान लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर फ्लो क्या है बच्चों, चैप्टर फ्लो हम लोग जान लेते हैं कि भाई चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हम लोगों को पढ़ना है बच्चों स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, समझ आ रही बच्चों बात। नंबर टू पर हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेन। नंबर तीन पर हम लोगों को पढ़ना है हुक्स लॉ।
नंबर चार पर हम लोगों को पढ़ना है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। नंबर पांच पर हम लोगों को पढ़ना है बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये नंबर पांच पर हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और नंबर छह पर जो हम लोगों को लास्ट टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है बच्चों हमारा टॉपिक नंबर सिक्स जो हमें इसके अंदर छठे नंबर पे पढ़ना है। तो सेकंड बुक की पहली यूनिट का नाम आपके सामने है फ्लूइड। ये जो फ्लूइड आप लोगों को दिख रहा है इसका मतलब होता है लिक्विड और गैस से। बच्चों हम लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो पहला चैप्टर आएगा उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। लिक्विड और गैस तो हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, और सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर नंबर वन में। जो चैप्टर का फ्लो है हमारे पास में वो ये है आपके सामने। हम पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में, हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ के बारे में, हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, हम पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं ना बच्चों, ये सारे पॉइंट बहुत ही मोटा माटी लेवल पर है, यानी बहुत ऊपर ऊपर से लेवल से हैं। इनके अंदर छोटे 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 सब टॉपिक हमारे पास में बहुत सारे आने वाले हैं बच्चों। ये जो मेजर टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये चैप्टर का फ्लो है, ये मेजर टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक हमारे सामने बहुत सारे आने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज की जो पहली क्लास है यानी 1 अक्टूबर की क्लास है, ये क्लास हम लोगों ने स्टूडेंट सिर्फ रखी थी, सिर्फ आज की क्लास हम लोगों ने रखी है आपको बताने के लिए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, हमारी प्लानिंग क्या होने वाली है, हम दो लेक्चर स्टार्ट कर क्यों रहे हैं बच्चों, समझ आ रही बात आप लोगों को, और सेकंड बुक के अंदर यूनिट कितनी है, कितने उनके अंदर चैप्टर हैं और हम पढ़ने वाले क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा 2 अक्टूबर यानी कल का जो लेक्चर होगा स्टूडेंट, उसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट।